राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बिल पेश। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी, बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, बोले दिल्ली में सुपर सीएम की कोशिश बिल संविधान के खिलाफ। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल, 136 दिन बाद संसद में दोबारा पहुंचे राहुल, विपक्षी सांसदों ने किया स्वागत। राहुल की वापसी के साथ लोकसभा में बीजेपी का जोरदार हमला, निशिकांत दुबे बोले डोकलाम के वक्त में चीनी नेताओं से मिले, मोदी विरोध के लिए फंडिंग कार्रवाई। राहुल पर बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, निशिकांत दुबे का बयान हटाने की मांग। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो बदला, सदस्यता बहाली के बाद बायो बदला। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस का जोश आए, 10 जनपद के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। INDIA के नेताओं ने भी मनाया राहुल गांधी की सदस्यता बहाल का जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। राहुल की सदस्यता बहाल पर कांग्रेस का ट्वीट, लिखा ये सत्य की जीत है, भारत के लोगों की जीत। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, कहा यह देश के लिए राहत है, वायनाड के लोगों के लिए राहत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का राहुल की सदस्यता बहाल होने पर बयान, बोले बीजेपी ने कई सांसदों की सदस्यता छीनी, फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा। राहुल की सदस्यता बहाल पर बोली समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, स्पीकर ने बिना देरी के फैसला सुनाया। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का राहुल की सदस्यता पर बयान, बोले खुशी है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कानूनी प्रक्रिया का किया पालन। संसद में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, अनुराग ठाकुर बोले इनकी नकली मोहब्बत की दुकान, चीन से फंडिंग लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस, ये टेररिस्ट को एक्टिविस्ट बनाते हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर भी साधा निशाना, अनुराग ठाकुर बोले घमंडिया गठबंधन का देश विरोधी एजेंडा। ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे जारी, सर्वे का आज चौथा दिन है, 2 चरणों में किया जा रहा सर्वे। ज्ञानव्यापी में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ सर्वे, सावन के सोमवार की वजह से लिया फैसला। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ज्ञानव्यापी पर बड़ा बयान, बोले ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वहां वो शिव मंदिर है। न्यू हिंसा पर भी बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, हिंसा देश का दुर्भाग्य। नू में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वतः संज्ञान को लेकर पंजाब हरियाणा ने जारी किया आदेश। नू हिंसा पर प्रशासन का एक्शन, संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, साइबर टीम कर रही ऑपरेशन। नू हिंसा में जांच एजेंसियां सतर्क, पाकिस्तान से जुड़े हिंसा के लिंक। हरियाणा के नू में सामान्य हो रहे हालात, आज से खुले बैंक और एटीएम, सरकारी दफ्तर भी खुले। कर्फ्यू में ढील के बाद नू में 2 बजे तक खुले थे बैंक, 3 बजे तक खुले रहेंगे एटीएम। यूपी विधानसभा में भारी हंगामा, सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, भड़के स्पीकर। यूपी विधानसभा में मणिपुर पर हंगामा, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की मणिपुर पर चर्चा की मांग पर बोले स्पीकर सतीश महाना, दूसरे राज्य की चर्चा नहीं। बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पीएम ने सम्मेलन में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 4 दशक तक कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन पीएम मोदी ने लॉन्च की, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल। मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, एजी ने कोर्ट में कहा हालात सुधारने की दिशा में उठाए गए कदम, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह भी कोर्ट में मौजूद। जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन, पुंछ में 2 आतंकी ठेर, एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, 24 घंटे के अंदर 4 आतंकी मारे गए। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में लगी भीषण आग, एंडोस्कोपिक डिपार्टमेंट में लगी आग पर पाया गया काबू। नैनीताल में रुक रुक करके हो रही भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आगरा में मंदिर परिसर की गिरी छत, 1 बच्चे की मौत हुई, 12 लोग मलबे में दबने से घायल हुए। बांसवाड़ा में प्रसव के 12 घंटे बाद महिला की मौत हुई, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिमडेगा में जंगली हाथी ने एक लड़की को कुचला, लड़की की मौके पर मौत। नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हुई, परिवार में मचा कोहराम। जोधपुर में कबाड़ खाने में लगी आग, 3 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में महिला के साथ मारपीट, आम आदमी पार्टी के पार्षद सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। Zee News.